अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान विधायक आकाश विजय वर्गीय द्वारा निगम अधिकारी के साथ कथित मारपीट की घटना को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल कर दी। देखिए एक खास खबर। इंदौर की 3 नंबर विधानसभा के गंजी कंपाउंड क्षेत्र में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय के बेटे विधायक आकाश विजय वर्गीय और निगम अधिकारी के बीच जमकर विवाद हुआ। इस दौरान कथित मारपीट की घटना के विरोध में निगम कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल कर दी है। घटना के विरोध में नगर निगम कर्मचारी नेता उमाकांत काले के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सभी विभागों में काम बंद करवा दिया है। और आज मैं मानता हूं कि व्यास जी के साथ जो मारपीट हुई व्यास जी के और उसमें जो फुटेज आए वीडियो पे मारते हुए दिखाए और ये कर्मचारी एक एक झोनल अधिकारी एक एक अधिकारी एक एक सीएसआई एक एक दरोगा अभी हमारे प्रमुख अधिकारी मैदान में आए और मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि लड़ना तुम ही नहीं जानते हो। हाथ में झाड़ू फावड़ा गेती कुल्हाड़ी दस्ते सब हमारे पास भी तैयार है। मुकालते में मत रहो कि किसी भी कर्मचारी को तुम खींचोगे और कहीं भी मारपीट मचा दोगे उसके साथ। एक एक कर्मचारी पूरी ताकत के साथ अगर किसी भी कर्मचारी के साथ कोई मारपीट करता है जनप्रतिनिधि तो पूरा कर्मचारी मैदान में है और इंदौर नगर निगम का प्रशासन मैदान में है। वहीं निगम कर्मचारियों की हड़ताल हंगामे को बढ़ता देख और मामले को गर्माता देख विधायक आकाश विजय वर्गीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। वहीं पूरे मामले में निगम कमिश्नर आशीष सिंह ने कहा है कि मामले की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। देखो कर्मचारियों की एकजुटता कर्मचारियों की ताकत सब लोग एकजुट हुए और सब कर्मचारियों ने सभी यूनियनों ने ये मांग की कि भैया इस प्रकार का जो कृत्य हमारे कर्मचारी के साथ हुआ है इसमें उस कर्मचारी को न्याय मिलना चाहिए। और निश्चित ही नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह जी से भी हम मिले थे सभी यूनियन के लोग, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आधे घंटे के भीतर प्रकरण दर्ज हो जाएगा और वास्तव में यही हुआ कि आधे घंटे में जिन लोगों ने अपराध किया था मारपीट की थी उन धीरेन्द्र व्यास जी की वायस जी की शिकायत पर प्रकरण उन पर दर्ज हो गया है। अगर प्रकरण दर्ज नहीं होता तो समस्त कर्मचारी आंदोलन के मूड में थे वो बड़ा आंदोलन इस शहर को झेलना पड़ता। देखिए अत्यंत ही दुखद घटना है और मुझे लगता है कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है और ये हम लोगों की एक रेगुलर प्रोसेस है रूटीन प्रोसेस है। हम लोगों ने 26 की जर्जर भवनों की सूची को आइडेंटिफाई किया है, उसको हमने प्रकाशित भी किया था और सभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमने उसकी जानकारी दी थी। डेली हम लोग 2 मकान ले रहे हैं, उसी में एक मकान आज लिया गया था जो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। जब वहाँ पर हमारी टीम पहुँची तब वहाँ पर विधायक और उनके कुछ समर्थकों के द्वारा न केवल उस घटना का विरोध किया गया बल्कि हमारे लोगों के साथ में जडोज के साथ में और BIBO के साथ में मारपीट भी की गई, उसके वीडियोस मौजूद हैं और वाहन में भी तोड़फोड़ की गई। ये पूरी तरीके से अराजकता फैलाने वाली घटना है। जो संबंधित वहाँ पे कर्मचारी थे उनके द्वारा FIR भी कराई जा रही है और साथ में पुलिस से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि तत्काल गिरफ्तारी भी इस मामले में की जाए क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर्मचारियों का मनोबल बहुत गिरेगा और नगर निगम की तरफ से कोई भी कार्रवाई करनी फिर मुश्किल हो जाएगी। कुल मिलाकर इस घटना से प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई। ब्यूरो रिपोर्ट MP News इंदौर।